हमीरपुर के टाउन हॉल में आज 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। आज ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत मतदाता अपना ई वोटर कार्ड यानी ई एपिक ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार मतदाता सूचियों में पहली बार दर्ज हुए मतदाता 25 जनवरी से 31 जनवरी तक अपना ई वोटर कार्ड ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। ईडीएम जितेंद्र सास्टा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सुविधा के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से मतदाता अपना ई वोटर कार्ड अपने फोन में ई एपिक ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए एक नई पहल शुरू की गई। इस पहल में मतदाता अपना वोटर कार्ड अपने फोन पर ई एपिक ऐप पर डाउनलोड कर सकता है। वो इसका प्रिंट निकालकर अपने पास रख सकता है। हमीरपुर एडीएम जितेंद्र साजटा ने बताया कि आज टाउन हॉल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि 2011 में पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था और आज 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। एडीएम जितेंद्र साजटा ने कहा कि जो नए मतदाता इस बार जुड़े उन्हें वोटर कार्ड भी बांटे गए और साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ई एपिक ऐप भी लॉन्च किया गया। इस ऐप से कोई भी मतदाता अपनी फोटो पहचान पत्र को डिजी लॉकर में डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं। वो इसे खोने से दोबारा प्रिंट एवं लेमिनेट किया जा सकता है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 25 जनवरी 1950 को जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ही 26 जनवरी को मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 में पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था और आज जो है वो 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। तो इस प्रोग्राम जो यहाँ पर हमारे टाउन हॉल में आज आयोजित किया गया, उसमें एक तो जो सबसे पहले हमारे जो कई नए मतदाता जुड़े हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, जिनको वोटिंग का अधिकार मिला है, मत का अधिकार मिला है, उन्हें वोटर आई कार्ड भी बांटे गए हैं और साथ ही साथ आज के दिन ई एपिक भी लॉन्च किया गया है। ई एपिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक एपिक कार्ड जो है, वोटर आई कार्ड हम कह रहे हैं। अब डिजिटाइजेशन का ज़माना है, नया दौर है, तो इसीलिए अब जो वोटर आई कार्ड्स है उसको भी डिजिटाइज किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऐप के थ्रू है, उस वोटर आई कार्ड को हम डिजिटल फॉर्मेट में रख पाएंगे। अगर रिक्वायर्ड है तो उसका हम प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। तो ई एपिक कार्ड को भी आज इस 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर लॉन्च किया गया है। धन्यवाद।